चुनाव में बीजेपी के 400 पार के नारे को तगड़ा झटका जरूर लग गया है, लेकिन मजबूत विपक्ष के सामने मोदी सरकार का पन्ना तय है। आखिर किस राज्य ने बीजेपी की नैया को पार लगाया है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भले ही बीजेपी अपने दम पर लोकसभा चुनाव में जादुई आंकड़ा पाने में पिछड़ गई हो, लेकिन मोदी 3.0 का आना तय है। देश के कई राज्यों में जनता के मूड को भांपने में बीजेपी के बड़े नेता गलती जरूर कर गए, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मोदी सरकार के काम को समझा और भर भर कर वोट दिया। सबसे पहले आपको उन राज्यों के बारे में बता दें जिसकी वजह से बीजेपी की नैया पार लग गई। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली, ओडिशा, कई हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा, लेकिन खेल खराब होते होते इन राज्यों ने बीजेपी को संभलने का मौका भी दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार को जनता ने सभी 29 सीटों पर जीत का गिफ्ट दिया। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और 24 के चुनाव में सभी 5 सीटों पर बाजी मारकर अपने नंबर को घटने से रोक दिया। दूसरे राज्यों में इंडिया गठबंधन को भले ही बढ़त मिली, लेकिन गुजरात से बड़ी संख्या में सीटें छीनने में कामयाब नहीं हो पाई। दिल्ली का किला ध्वस्त करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, लेकिन बीजेपी पर झाड़ू नहीं चला पाए। बीजेपी सभी 7 सीटों पर कामयाब हो गई और घटते नंबरों को और घटने से रोक दिया। अगर ओडिशा में कामयाबी न मिलती तो शायद बीजेपी के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। ये पहली बार है जब बीजेपी को ओडिशा में बड़ी कामयाबी मिली और सबसे ज्यादा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।